वाला ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स के बीच। यहाँ पे हम बात करेंगे इस मैच की बेस्ट फैंटेसी टीम को लेकर, साथ ही साथ कुछ मेगा ग्रैंड लीग की टीम्स भी बनाएंगे और कुछ ट्रंप प्लेयर्स की बात करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका बहुत लो सिलेक्शन है, जैसे मानस लबुसेन है, विक्रमजीत सिंह है, तेजा नेदा मनुर, मार्कस स्टर्निस, रेल ऑफ बैंथर, आर्यन दत्त। अब इनमें से कुछ प्लेयर्स, यानी कि ये जो प्लेयर दिख रहे हैं, इसमें से एक दो प्लेयर बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकते हैं, ड्रीम टीम में हो सकते हैं। वहीं दोस्तों आप यहां से देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका 90% से भी ज्यादा सिलेक्शन है, जैसे डेविड वार्नर है, मिचेल मार्श है, वहां पे ग्लेन मैक्सवेल, वेस्ट इंडीज है, इनका बहुत हाई सिलेक्शन है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये सारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस करेंगे, इसमें से दो तीन प्लेयर फ्लॉप हो सकते हैं। कब किस प्लेयर को आपको ड्रॉप करना है, इस पे हम बात करेंगे। दोस्तों वीडियो बहुत बेहतर होने वाली है, आपको क्या करना है, आप सभी को वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही आप सभी को वीडियो को लाइक कर देना है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लेना, बाकी एक अच्छा सा कमेंट कर देना, अगर दिल करे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। बाकी एक सबसे जरूरी बात मैं ये बताता हूँ, जिसने भी अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, दोस्तों सभी लोग जाओ फटाफट से लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर लो। ज्वाइन क्यों करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैं कुछ ग्रैंड लीग की टीम्स भी दे देता हूँ आपको, जिसमें आप लोग चेंजेस करके खुद से खेल सकते हैं, साथ ही साथ कुछ टिप्स शेयर कर देता हूँ ग्रैंड लीग में आपको क्या करना है, कब क्या करना है। तो कुछ कैप्टन वाइस कैप्टन के 4-5 ऑप्शन दे देता हूँ, इसी में से आपको कैप्टन वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में रोटेट करना है, एक बेस्ट स्मॉल लीग की टीम मिल जाती है, फाइनल पिच रिपोर्ट मिल जाती है। सभी को जाके फटाफट से टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है और किसी को मिस नहीं करना है, सभी को जाके टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे पिच रिपोर्ट से। दोस्तों जो मैच होने वाला है वो अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली में होने वाला है। आप सभी को पता है यहाँ पे जो है फ्लैट पिच है, यानी कि बैटिंग के लिए पिच बहुत अच्छी, बाकी ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, ठीक है। ये 438 जो है वो साउथ अफ्रीका ने, जी हाँ दोस्तों, इसी वर्ल्ड कप में किया हुआ है। आगे दोस्तों देख सकते हैं यहाँ से स्कोरिंग पैटर्न देख सकते हैं, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, खुद समझ सकते हैं और स्क्रीन शॉट करके एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो सबसे ज्यादा बेहतर चीज है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करके 428 किए, श्रीलंका भी यहाँ पे 326 तक पहुंच गई थी, यानी कि बैटिंग के लिए बहुत अच्छी पिच है। 15 विकेट गिरे 12 पेसर्स को, 3 विकेट स्पिन को। अगले मैच में 10 विकेट गिरे 7 पेसर्स को, 3 स्पिन को। यहाँ पे 272 किए अफगानिस्तान ने, अगले में 284 किए अफगानिस्तान ने, और इंग्लैंड ने चेंज नहीं कर पाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्पिनर्स को 13 विकेट मिले। अब दोस्तों ये 3 मैच हो चुके हैं और ये तीनों मैच अलग अलग पिच पे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा स्कोर पड़ा, यहाँ पे दोस्तों आराम से चेंज हो गया, यहाँ पे इंग्लैंड ने आसानी से चेंज नहीं कर पाया, स्पिनर्स को विकेट मिले। तो दोस्तों सारी पिच लगभग अलग अलग दिख रही है। अब जो ये मैच होने वाला है ऑस्ट्रेलिया नेदरलैंड्स का, ये किस पिच पे होगा, इसी में से किसी पिच पे होगा या नई पिच होगी, ठीक है, ये चीज आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये चीज मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा सभी लोग, जैसे ही मैच स्टार्ट होने वाला है। बाकी दोस्तों ये जो पिच है वो बैटिंग के लिए बहुत अच्छी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करेगी तो एक बड़ा टोटल आपको देखने को मिल सकता है। बाकी पेसर्स ज्यादा अच्छा कर रहे और किसी किसी पिच पे, इस पिच पे स्पिनर्स ने ज्यादा अच्छा किया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, टेलीग्राम से जाके जुड़ जाना है, वहां पे मैं फाइनल पिच रिपोर्ट दूंगा। बाकी इन मैचेस से आप बहुत कुछ समझ सकते हैं, उसको स्क्रीनशॉट खुद से आप कर सकते हैं और हर एक चीज आप ध्यान से देखें। भाई हेड टू हेड की बात करें तो 2 मैच हुए, दोनों के दोनों मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते। मैक्सिमम दोस्तों जो टीमें आप बनाएंगे वो ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में बनाएंगे, लेकिन इस समय जो हो रहा है, जैसे नेदरलैंड से साउथ अफ्रीका हो रहा है, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड और पाकिस्तान को हो रहा है, दोस्तों मैच में कुछ भी हो सकता है। तो ग्रैंड लीग की टीम आप नेदरलैंड के साइड भी बना सकते हैं, ये चीज ध्यान रखना, बहुत ज्यादा नहीं लेकिन 1-2 तो बना ही सकते हैं, तो इससे आपकी ग्रैंड लीग जीतने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आपको एक यहां से दोस्तों हम बात करेंगे, उससे पहले दोस्तों अगर आपको एक बेस्ट फैंटेसी ऐप की तलाश है, आपको नहीं मिला, तो सभी लोग क्या करो, जाओ तुरंत स्पोर्ट्स बाजी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और डाउनलोड क्यों करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पहले डिपॉजिट पे आपको 5,00,000 की मेगा ग्रैंड लीग बिल्कुल फ्री मिल रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो 60-70 हजार का फर्स्ट प्राइज आसानी से विन कर सकते हैं। बाकी मेगा ग्रैंड लीग की टीम्स और टिप्स मैं दे ही देता हूँ, ठीक है। तो सभी लोग यहाँ से, उसके बाद देखिए 30,00,000 का जो यहाँ पे लीडर बोर्ड है, इसमें अगर दोस्तों हर एक गेम, जितने भी गेम यहाँ पे दिए, जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपकी रैंक बन आती है तो आसानी से बिल्कुल फ्री आप 5,00,000 रुपए विन कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये मैच जो है, ये मैच दोस्तों मैं कह रहा हूँ फैंटेसी से बेहतर स्टैट्स फैंटेसी में यहाँ से कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो मैच है ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड्स का मैच है, फैंटेसी जब टीम बनाएंगे तो उतना बेहतर हो सकता है आप ना कर पाए, लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन का जवाब दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया विन द ओडीआई मैच अगेंस्ट नेदरलैंड्स। अब दोस्तों मान लीजिए थोड़ा नेदरलैंड्स अच्छा करने लगी तो यहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हैं आसानी से। बाकी यहाँ से पहले ओवर में कितने रन बनेंगे, कितने विकेट गिरेंगे,
यहाँ पे ट्रू फॉल्स करना है। बाकी यहाँ पे एक चीज और है, ठीक है, यहाँ पे एक बेहतर चीज ये कि आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए पहले 10 ओवर में कितने रन बनेंगे आपको बताना, जैसे 50 रन बनेंगे लिखा है, तो आपको एवम या विलो यानी कि इससे ज्यादा बनेंगे कम बनेंगे खाली आपको जवाब देना है। और ये मैच जो है इस चीज यानी कि स्टैट फैंसी के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। मैं तो बहुत कमा रहा हूं वैसे भी दोस्तों, इसमें आपको ये बताना मिशेल स्टार्क 3 विकेट ले सकते हैं, सिर्फ हाँ या ना करना है, सिर्फ हाँ या ना, और आसानी से कमा सकते हैं। तो सभी लोग जाएंगे अभी स्टैट फैंसी को स्पोर्ट्स बाजी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी यहाँ पे दोस्तों एक प्ले स्टॉक्स का भी ऑप्शन है जिसमें आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा प्लेयर जो अपने एवरेज फैंटेसी पॉइंट से ज्यादा कर सकता है, ज्यादा ऊपर जा सकता है या कम ऊपर जा सकता है, ये सिर्फ आपको प्रेडिक्ट करना है, ठीक है, आसानी से कमा, कोई भी मिस नहीं करेगा। सभी लोग जाके स्पोर्ट्स बाजी ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट में पिन करा मिल जाएगा। अब तो दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की प्रोबेबली प्लेइंग 11 को लेकर, जो हम स्टैट्स देखेंगे थोड़ा सा दोस्तों हम फास्ट देखेंगे लेकिन आपको समझना बहुत धीरे धीरे हर एक चीज को। डेविड वार्नर, मिचेल मार्श ओपनिंग करते दिखेंगे 3 नंबर पे, स्टीव स्मिथ, मानस लबुसेन, और यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल, जोश इंग्लिश, मार्कस स्टोइनिस, पैट कमिंस, जोश हेजलवुड, एडम ज़ेम्पा, मिचेल स्टार्क, ये प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। बाकी ट्रेविस हेड को लेकर मेरे पास अभी कोई अपडेट नहीं है, अगर मिलती है तो मैं बता दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। यहाँ से दोस्तों जिनके मैन बॉलर है मिचेल स्टार्क पूरे 10 करेंगे, एडम ज़ेम्पा पूरे 10 करेंगे, जोश हेजलवुड पूरे 10 करेंगे, पैट कमिंस पूरे 10 करेंगे। अब मार्कस स्टोइनिस और ग्लेन मैक्सवेल इनमें जो ओवर्स होंगे वो डिवाइड होंगे और मैक्सिमम ओवर चांसेस है कि ग्लेन मैक्सवेल इस समय कर रहे हैं, ठीक है, तो ये कुछ चीजें ध्यान रखनी। बाकी दोस्तों जो ओपन बॉलर डेथ बॉलर्स हैं उसमें मिचेल स्टार्क और जॉश हेजलवुड आपको शुरुआत में पावर प्ले में बॉलिंग करते दिख जाएंगे, डेथ ओवर्स में मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस बॉलिंग करते दिख जाएंगे। अब दोस्तों प्लेयर एनालिसिस की बात कर लेते हैं, सबसे पहले हमको दिखते हैं मिचेल मार्श जो कि लास्ट मैच में बहुत तगड़ी और अच्छी फॉर्म में दिखे, 121 करके यहाँ पे 52 करे, और ये हमारी टीम में कंफर्म होंगे, टीम के वाइस कैप्टन भी हो सकते हैं, तो इनको मैं कंफर्म लेके चलूंगा। वही डेविड वार्नर भी हमारी टीम में कंफर्म होंगे, 93% सिलेक्शन है। अब देखिए मिचेल मार्श, डेविड वार्नर दोनों को मैं बात करूं, सामने टीम नीदरलैंड से जो कि स्पिनर्स बहुत ज्यादा उनके पास है, तो आपको क्या करना है, ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग में डेविड वार्नर मिचेल मार्श को ड्रॉप करने का रिस्क लेना है, तभी आपकी टीम बेहतर हो। अगर ये फ्लॉप हुए तो आपका कॉम्पिटिशन बहुत कम हो जाएगा, आपके ग्रैंड लीग की जो मेगा ग्रैंड लीग की टीम है उसके रैंक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और खासकर डेविड वार्नर के सामने आर्यन दत्त आएंगे, और आपको पता है इनको जो ऑफ स्पिन बॉलर होते हैं उनसे दिक्कत होती है, अभी रिसेंट में रविचंद्रन अश्विन जब इनके सामने बॉलिंग कर रहे थे तो डेविड वार्नर कहीं ना कहीं राइट हैंड बैटिंग करने लगे थे तो उनको दिक्कत होती है, तो आर्यन दत्त आ सकते हैं, इसीलिए इनको मेरा ग्रैंड लीग में ड्रॉप करने का रिस्क जरूर लेना, बाकी सेफ टीम में आप कैप्टन कर सकते हैं, ठीक है, अच्छे ऑप्शन है, आपको लेके चलना है। बाकी रिसेंट फॉर्म हर एक चीज देख सकते हैं। स्टीव स्मिथ एक ग्रैंड लीग के लिए बहुत बेहतर कैप्टन के ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों आपको अपनी टीम में लेना तो है ही इनको, ठीक है, तो बात ये कि मान लीजिए मिचेल मार्श, डेविड वार्नर किसी का जल्दी विकेट गिरता है तो इस मैच में स्टीव स्मिथ खासकर बैटिंग पीछे ये बढ़िया बड़ा स्कोर कर सकते हैं, तो ग्रैंड लीग की मैक्सिमम टीमों में आप कैप्टन बना सकते हैं, ये चीज होता है खासकर जब पहले बैटिंग करती है ऑस्ट्रेलिया की टीम, ठीक, बाकी टीम में रहेंगे। मानस लबुसेन अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम बाद में बैटिंग करेगी तो मैं ड्रॉप करने का रिस्क ले सकता हूं, अगर पहले बैटिंग करेगी तो इनको मैं अपनी टीम में कॉम्बिनेशन में ले सकता हूं, बाकी ग्रैंड लीग में इनको भी मैं कैप्टन ट्राई करूंगा। और जब पहले बैटिंग करेगी टीम ऑस्ट्रेलिया तो थोड़ा डेविड वार्नर, मिचेल मार्श को ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में मैं इग्नोर कर सकता हूं, और मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ इन पे ज्यादा फोकस कर सकता हूं, हो सकता है ये दोनों प्लेयर्स बेहतर करें तो इनको रोटेट करके कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकता हूं, ये काम है, बाकी हर एक चीज आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, जॉश इंग्लिश इनको अभी के लिए मैं नहीं लेके चला हूं, लेकिन जीएल के रोटेशंस में इनको जरूर मैं ट्राई करूंगा, बाकी विकेट कीपर है, जब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स विकेट लेंगे तो हो सकता है कई कैच इनके पास चले जाए, कई बार टॉप एज लग के जाती है, स्टंपिंग कर सकते हैं तो वहां से पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है, विकेट कीपिंग कर भी रहे हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ग्लेन मैक्सवेल कंफर्म टीम में होंगे क्योंकि बॉलिंग ज्यादा कर रहे हैं, वैसे दोस्तों बैटिंग से अभी तक बहुत बेहतर किया नहीं है लेकिन किसी दिन भी धमाका कर सकते हैं, अच्छा खासा मौका मिले तो ग्लेन मैक्सवेल को मैं ड्रॉप करने का रिस्क नहीं लूंगा, बाकी ग्लेन लीग की टीम के अच्छे ऑप्शन है कैप्टन के। मार्कस स्टोइनिस को भी आप अपनी टीम में लेके चल सकते हैं, बेहतर प्लेयर है, बाकी अभी के लिए मेरी सेफ टीम में मार्कस स्टोइनिस नहीं, लास्ट मैच में 2 विकेट भी लिए थे, 21 रन भी किए थे। पैट कमिंस को मैं अपनी टीम में लेके चलूंगा, जी हाँ दोस्तों कंफर्म, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती है तो लगभग ऑस्ट्रेलिया के जो जितने भी बॉलर्स हैं वो लगभग हमारी टीम में होंगे, जी हाँ दोस्तों चारों बॉलर्स हमारी टीम में होंगे। मिचेल स्टार्क भी मैं अपनी टीम में लेके चलूंगा, यहां से देख सकते हैं 115 और सारी चीजें देख सकते हैं, बाकी स्टार्स आपको स्क्रीन शॉट करते रहना है, खुद से समझना, रिसेंट इनिंग है,
यहाँ पे दोस्तों बैन हुए, यहाँ पे दोस्तों आर ओवर मैच है। एडम जेम्पा बहुत बेहतर कर रहे हैं, लगातार चार चार विकेट लेके आए, रिसेंट फॉर्म में बहुत बहुत अच्छी है, तो एडम जेम्पा भी हमारी टीम में होंगे। और यहाँ से दोस्तों मैं जॉस हेजलवुड को भी लेके चलूंगा, जॉस हेजलवुड को मैं ग्रैनली की टीम में कैप्टन करूंगा। रीजन बता दूं, ज्यादा लोगों का फोकस मिचेल स्टार्क एडम जेम्पा पे, और कई बार जॉस हेजलवुड तीन या चार विकेट लेके जाते हैं, तो इनको मैं ग्रैनली की टीम में कैप्टन करूंगा। जी हाँ दोस्तों, अगर पहले बैटिंग करे या बाद में बैटिंग करे ऑस्ट्रेलिया, इनको मैं कैप्टन जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये हमारी टीम हो गई। ये हमारी टीम में कुछ ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स आपने देख लिए, कम से कम 8 प्लेयर मैंने यहाँ पे बता दिया हमारी टीम में होंगे ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, खासकर जब पहले बॉलिंग करेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम। ठीक, बाकी दोस्तों अब बात कर लेते हैं यहाँ पे हम नीदरलैंड्स की प्रोबेबली प्लेइंग 11 को लेकर। तो विक्रमजीत सिंह मैक्स नो डाउट ओपनिंग कर सकते, कॉलिन अकरमन 3 नंबर, वाइस डी लीडर तैजा मैदा मनु, स्कॉट एडवॉस यहाँ पे एगल ब्रिज, लॉगन बेनडिक, रोलॉफ बैंद्रमा, पालवन मैकेरिन, आर्यन दत्त, ये प्रोबेबली प्लेइंग 11 हो सकती है एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में। आर्यन दत्त 10 ओवर, पॉल बैकिन मीकरन 10 ओवर, लॉगन बेनडिक 10 ओवर, बैश डिलीटे भी लगभग 10 ओवर कर सकते हैं, रिलॉफ बैंद्रमा है, कॉलिन अकरमन, इनके ओवर्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये कुछ बॉलर्स, बाकी शुरुआत में आपको यहाँ पे आर्यन दत्त और लॉगन बेनडिक शुरुआत में पावर प्ले बॉलिंग करते दिखेंगे, बैश डिलीटे और पॉल बैन मेकरेन ये दोस्तों क्या है डेथ में बॉलिंग करते दिखेंगे। आर्यन दत्त लगभग डेविड वार्नर के सामने मैक्सिमम ओवर्स करते दिख सकते हैं, ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है। बाकी दोस्तों आप बात कर लेते हैं प्लेयर एनालिसिस, तो विक्रमजीत सिंह की बात करें 10% सिलेक्शन है, ग्रैंड लीग के लिए बेहतर ऑप्शन है, सेफ टीम में आप तब ट्राई कर सकते हैं जब ये टीम पहले बैटिंग करती है। ठीक, आप ट्राई कर सकते हैं, एक प्लेयर आप लेके अगर जा रहे हैं, बाकी मैं अभी के लिए अपनी टीम में नहीं ले पा रहा हूँ। वही बात है, मैक्स डाउट को भी आप जीएल में ट्राई कर सकते हैं, एसएल की टीम में मैं नहीं ले रहा हूँ, बाकी रिसेंट फॉर्म में कुछ भी नहीं कर पा रहे। आगे चलते हैं दोस्तों, कॉलिन अकरमन ये दोस्तों बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा कर सकते हैं, ये भी आप एक बॉलिंग करते हैं तो इनको भी शुरुआत में बॉलिंग का मौका मिल सकता है, आप क्या कर सकते हैं इनको अपनी टीम में ले सकते हैं, मैं अपनी सेफ टीम में कॉलिन अकरमन को ले रहा हूँ। बैच डिलीटर बैटिंग बॉलिंग दोनों से अच्छा करते हैं, कई बार क्या होता है अगर इनकी टीम यानी कि जो नेदरलैंड्स की टीम है वो पहले बॉलिंग करे तो ध्यान रखना इनको मैक्सिमम ओवर्स करने का मौका मिलेगा, तो विकेट भी ले सकते हैं। पाकिस्तान के सामने 4 विकेट लिए थे और 67 शायद कुछ रन किए थे, ये देख सक रहे, तो इस तरह की इनिंग इनकी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी आ सकती है, तो आप लोग क्या करना इनको अगर पहले बॉलिंग करते हैं तो ग्रैंड लीग में कैप्टन जरूर बना देना। ठीक है, बाकी अच्छे ऑप्शन है। इनको देखिए लास्ट मैच में 70 रन की पारी खेल के बहुत ज्यादा मैच खेले नहीं है गिल ब्रिज, इनको आप जीएल के रोटेशंस में जरूर ट्राई कर सकते हैं, बेस्ट ऑप्शन है। तेजा मैदा मनु ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है, खासकर मेगा ग्रैंड लीग के लिए, किसी भी मैच में 70-80 कर सकते हैं तो ये अच्छे मेगा ग्रैंड लीग के लिए ऑप्शन है, आप मेगा ग्रैंड लीग में ट्राई कर लेना। बाकी दोस्तों बहुत ज्यादा टीमों में नहीं, जैसे 8 टीमें बना रहे तो एक या 2 टीमों में ट्राई कर सकते हैं। स्कॉट एडवांस, बाकी हमारे पास विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर हम बात करें तो एक ऑप्शन हमारे पास है जॉश इंग्लिश का, दूसरा है, तो हमें ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन लग रहा है, तो मैं यहाँ पे स्कॉट एडवांस को ही लेके चल रहा हूँ। बाकी मेगा ग्रैंडली के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कॉट एडवांस को ड्रॉप करके जॉश इंग्लिश को ले सकते हैं। रीजन, अगर स्कॉट एडवांस मान लीजिए जल्दी आउट होते हैं और उधर जॉश इंग्लिश के पॉइंट देने के चांसेस ज्यादा बन रहे, रीजन है क्योंकि ये टीम ऑल आउट हो सकती है नेदरलैंड्स और सामने कैच जा सकते हैं विकेट कीपर से, टॉप एज जा सकती है और स्टंपिंग कर सकता है, रन आउट कर सकते, तो ये चांसेस है जॉश इंग्लिश के पॉइंट ज्यादा देने के। लॉगन बेनडिक को मैं अपनी टीम में रखूंगा उस कंडीशन में, जी हाँ दोस्तों, जब इनकी टीम पहले बॉलिंग करेगी, ठीक है, तो मैं रख सकता हूँ। बाकी पहले बैटिंग करते हुए उन्होंने देखिए, वैसे तो बॉलिंग सेक्शन में दिखेंगे लेकिन बैटिंग अच्छी खासी कर लेते हैं, 25 का एवरेज आपको दिख रहा है, तो लॉगन बेनडिक को आप अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। रिलॉफ बैंद्रमा ये भी बॉलिंग बैटिंग दोनों कर देते हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर, अच्छे बॉलर है, तगड़े बॉलर, इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, बेहतर ऑप्शन हो जाएंगे। आर्यन दत्त ये दोस्तों ये ग्रैंड लीग के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए बेहतर है क्योंकि लगभग ओवर्स करते दिखेंगे दोस्तों, अगर आप डेविड वार्नर को ड्रॉप कर रहे हैं तो इनको आप ट्राई कर सकते हैं, वही लॉजिकल एक चीज है जो हो सकता है डेविड वार्नर का ये विकेट लेके चले जाए। ठीक, कई बार आपने देखा है बैटिंग से भी पॉइंट देते हैं, लास्ट मैच में ये 3 विकेट भी लेके आए तो कॉन्फिडेंस भी बहुत ज्यादा होगा, ये प्लेयर भी बेहतर हो सकता है। तो ये कुछ चीजें हमने यहाँ पे आपको बताया, पॉल बैन मीकरेन आप ट्राई कर सकते हैं, अगर इनकी टीम पहले बॉलिंग करते स्पीड है इनके पास विकेट ले सकते हैं, इनको भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हैं, खासकर जब पहले वो टीम बॉलिंग। बाकी अभी के लिए नेदरलैंड्स की तरफ से जो मैं प्लेयर्स लेके चल रहा हूं वो मैं कॉलिन अकरमन लेके चल रहा हूँ, मैं बैश डिलीटे लेके चल रहा हूँ, मैं स्कॉट एडवांस, ये 3 प्लेयर्स ही लेके चल रहा हूँ, चौथा हमारी टीम में अगर कोई होगा तो वो लॉगन बेनडिक होंगे, ये हमारी टीम में नेदरलैंड्स की तरफ से कुछ प्लेयर्स होंगे। बाकी अब बात कर लेते हैं स्मॉल लीग के जो बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है, उसमें डेविड वार्नर, मिचेल मार्श
और बैच डिलीडे अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा रिस्की में अगर आप जाएंगे तो स्टीव स्मिथ, मिचेल स्टार्क और ग्लेन मैक्सवेल, खासकर मिचेल स्टार्क को आपको तब ट्राई करना है जब दोस्तों इनकी टीम पहले बॉलिंग करे, और स्टीव स्मिथ को आपको तब ट्राई करना है जब पहले बैटिंग करे ऑस्ट्रेलिया की टीम। ग्लेन मैक्सवेल का हम दोनों कंडीशन में ट्राई कर सकते हैं, ये थोड़ी रिस्की है, सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है। जो दोस्तों यहाँ पे ट्रंप प्लेयर हो सकते हैं उसमें मॉर्नस गब्सन, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले बैटिंग करती है तब होंगे ट्रंप प्लेयर। आर्यन दत्त ट्रंप रहेंगे, विक्रमजीत सिंह ट्रंप रहेंगे, तेलंगाना वनरो और रिलॉफ बैंदर मार्ग, ये मर्ग ये कुछ प्लेयर हैं जो ट्रंप प्लेयर रहेंगे, इनको आप रोटेशन में ट्राई कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों स्मॉल जो ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है, उसमें मिचेल स्टार्क टीम अगर पहले बॉलिंग करती है ऑस्ट्रेलिया आप ट्राई कर लेना, ग्लेन मैक्सवेल को आप ट्राई कर लेना, स्टीव स्मिथ अगर पहले बैटिंग करे ऑस्ट्रेलिया ट्राई कर लेना, मॉर्नस गब्सन अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग करे ट्राई कर लेना, बस डीलीडे अगर नेदरलैंड्स पहले बॉलिंग करे तो ट्राई कर लेना। ये ग्रैंड लीग के कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन है। अब चलते हैं डायरेक्ट हम टीम देख लेते हैं, ठीक है। जो हमने टीम यहां से बनाएंगे उसमें सबसे पहले मैं बता दूं, यहां से मैं विकेट कीपिंग सेक्शन में हमको जॉस इंग्लिश स्कॉट एडवर्स दिख रहे हैं तो मैं स्कॉट एडवर्स को लेकर चलूंगा। बाकी यहां से डेविड वार्नर हमारी टीम में कंफर्म होंगे, स्टीव स्मिथ भी होंगे, मिचेल मार्श स्टीव स्मिथ दोनों होंगे, मैक्स डाउट को मैं ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है। मॉर्नस गब्सन इनको जीएल में ट्राई करना अगर पहले बैटिंग करे ऑस्ट्रेलिया की टीम, विक्रमजीत सिंह तेजा नेदा मुर्मू ये जीएल मेगा जीएल के लिए बेहतर ऑप्शन है। ग्लेन मैक्सवेल को मैं लेके चलूंगा क्योंकि बॉलिंग नहीं तो बैटिंग नहीं तो बॉलिंग करने, बैच डिलीडे कॉलिन अकरमन ये प्लेयर्स हमारी टीम में होंगे। बाकी यहां से दोस्तों मैं सारे बॉलर्स लेके चल रहा हूँ, ठीक है अभी के लिए। बाकी अगर पहले बॉलिंग करती है नेदरलैंड्स तो मैं लॉगन बैन बीक को ट्राई कर सकता हूं, वो भी दोस्तों मैं यहां पे ड्रॉप करूंगा, तो जॉस हेजलवुड को ड्रॉप करूंगा तो मैं लॉगन बैन बीक को ट्राई करूंगा। तो हमारी जो टीम बन रही है, जो बेस्ट बेहतर टीम बन रही है, वो इस तरह की बन रही है। हमारे पास दोनों सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन, डेविड वार्नर सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन, मिचेल मार्श भी सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन है। बाकी यहां से दोस्तों हमने चारे बॉलर्स को लिया, और यहां से मैं एक चेंज कर सकता हूँ, जॉस हेजलवुड को ड्रॉप करके लॉगन बैन बीक को ले सकता हूँ जब ये टीम पहले बॉलिंग करती है। अभी दोस्तों ये सेफ कैप्टन वाइस कैप्टन है, रिस्की में आप इनको बना सकते, ठीक है। स्टीव स्मिथ को ट्राई कर सकते हैं, ये कुछ रिस्की है, ग्लेन मैक्सवेल को ट्राई कर सकते हैं। अब दोस्तों हमारी जो फाइनल स्मॉल लीग की टीम होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग जाके फटाफट से जुड़ जाए। कुछ ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की बात कर लेते हैं, उससे पहले मैं दोस्तों बता दूं जो भी टीम मेगा ग्रैंड लीग ग्रैंड लीग की यहां पे मैं दिखाऊंगा आपको सेम टू सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना, खुद से भी चेंज करने, और दोस्तों क्या करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन भी रोटेट करेंगे। दोस्तों पहली जो टीम मैंने बना के रखी हुई, अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करती हो सकता है, क्योंकि मिचेल स्टार्क तगड़े बॉलर है, हो सकता है 4 या 5 विकेट यानी कि पंजा निकालते दिखें, ठीक है। तो इनके 5 विकेट अगर आते हैं जैसे मिचेल मार्श चेंज करते हुए अच्छी इनिंग खेल देते हैं, तो ये दोस्तों एक ग्रैंड लीग की बेहतर टीम होगी अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बॉलिंग करते हैं, मिचेल स्टार्क कैप्टन, लगभग सारे बॉलर्स ये हो गए, ठीक है। अगली जो टीम है उसमें ग्लेन मैक्सवेल कैप्टन है, जॉस हेजलवुड वाइस कैप्टन। क्या है ऐसा होता है कि मान लीजिए जॉस हेजलवुड पे बहुत ज्यादा लोगों का फोकस नहीं, इन्होंने विकेट निकाले, ग्लेन मैक्सवेल भी शुरुआत में बॉलिंग लेके आए, इनको विकेट मिलने लगे, फिर लगातार टीम इनके जो कैप्टन होते हैं इनके लगातार ओवर्स करवाते रहते हैं मैक्सवेल के, तो इनको मैक्सिमम चांसेस रहते हैं विकेट 3-4 विकेट भी निकाल सकते हैं। तो मैक्सवेल जॉस हेजलवुड ये भी हमारी टीम बेहतर होगी, कॉम्बिनेशन बेस्ट होगा अगर पहले बॉलिंग करती ऑस्ट्रेलिया। तो ये कुछ ग्रैंड लीग की टीमें होंगी, बाकी ग्रैंड लीग की जो फाइनल टीम होगी वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में, सभी लोग जाकर फटाफट से जुड़ जाइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो सभी लोग क्या करो वीडियो को लाइक कर दो, जो लोग चैनल पे पहली बार आए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर लेना, और अगर दिल करे तो दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना, जिस जैसी वीडियो लगी, अच्छी वीडियो लगी अच्छी अच्छा कमेंट, खराब वीडियो लगी खराब करना, मतलब कमेंट जरूर करना है। बाकी दोस्तों जिसने भी अभी तक स्पोर्ट्स बाजी ऐप को डाउनलोड नहीं किया सभी लोग जाओ फटाफट से डाउनलोड करो, और यहाँ पे जो स्टैट्स फैंसी का फीचर है उसको यूज करो, बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको खेलने में। चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।